मैं आपके साथ प्री नर्सरी का सिलेबस शेयर करने जा रही हूँ। इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ड्राइंग, जीके, कॉन्वर्सेशन, राइम्स और शॉर्ट स्टोरी, जिसमें से इंग्लिश, हिंदी और मैथ ये तीनों में ओरल के साथ साथ रिटन वर्क भी होता है। ड्राइंग में सिर्फ कलरिंग होती है और जीके, कॉन्वर्सेशन, राइम्स और शॉर्ट स्टोरी ये सिर्फ वर्बली कराए जाते हैं, इसमें कोई रिटन वर्क नहीं होता है। लेकिन एक्टिविटीज सभी सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्टिविटीज के द्वारा बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं बच्चे के माइंड में क्लियर कर दिए जाते हैं। अगर आपको ये सिलेबस का लाभ उठाना है, अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश पहला सब्जेक्ट है, ए टू जेड तक कैपिटल लेटर इसमें सिखाया जाता है, जिसमें ओरल सेक्शन, रिटन सेक्शन, एक्टिविटी सेक्शन तीन सेक्शंस होते हैं। लेकिन पहले हम ओरल की बात करते हैं। ओरल सेक्शन में ए टू जेड बच्चों को वर्बली याद करवाया जाता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरह से करते हुए एक्स, वाई, जेड पूरे सीक्वेंस में ए टू जेड याद करवा दिया जाता है, रिकॉग्नाइज कराया जाता है लेटर्स से, जैसे ए कौन सा है, टी कौन सा है, पी कौन सा है, जेड तक उनको रिकॉग्नाइज करवाया जाता है, पहचान कराई जाती है। हर एक लेटर से, ए से लेकर जेड तक उनको वन वर्ड याद करवाया जाता है, लाइक ए फॉर एप्पल, एप्पल मिल्स सेब, बी फॉर बॉल, इस तरह बॉल मिल्स गेंद, इस तरह से करते हुए जेड तक उनको करवाया जाता है। अब हम आते हैं रिटन सेक्शन की तरफ। रिटन सेक्शन में बच्चे चूंकि तुरंत स्कूल में आए होते हैं, उन्हें एक पेंसिल तक पकड़ना ढंग से नहीं आता, ऐसे में वो लिखना शुरू नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले उनसे पैटर्न राइटिंग करवाई जाती है। और कई तरह के पैटर्न होते हैं, लाइक स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व, डाउन कर्व, जिग जैग, सर्कल, ये सब तरह के। जब पैटर्न लिखना सीख जाते हैं उसके बाद उनसे ए से लेकर जेड तक लिखवाया जाता है, जो बच्चे बहुत आसानी से लिख लेते हैं। एक्टिविटीज़ के लिए मैं आपको तीनों इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब्जेक्ट बताने के बाद एक साथ एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊँगी। दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें सिलेबस जो है वो होता है अ से लेकर अ तक, स्वर वर्ण, जिसमें मौखिक खंड ओरल सेक्शन जो है वो होता है अ से लेकर अ तक, क्रमानुसार याद करना होता है बच्चों को, अ के बाद आ, आ के बाद छोटी, इस तरह से करते हुए अंक के बाद अ तक बच्चों को याद करना होता है। उन्हें पहचान कराई जाती है वर्णों की, अ कौन सा है, ए कौन सा है, उ कौन सा है, प्रत्येक वर्ण से एक एक शब्द याद कराया जाता है, जैसे अ से अनार, आ से आम। इसके बाद आता है लिखित खंड, जिसमें सेम वही पैटर्न राइटिंग कराई जाती है और उसके बाद अ से लेकर अ तक लिखना सिखाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड सब्जेक्ट के ऊपर, मैथ, जिसमें 1 to 50 ये इनका सिलेबस होता है, जिसमें ओरल सेक्शन है, 1 to 50 काउंटिंग नंबर उनको याद करवाया जाता है सीक्वेंस में, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, इस तरह से करते हुए 50 तक उन्हें नंबर्स की पहचान कराई जाती है, 9 कौन सा है, 7 कौन सा है, 5 कौन सा है। उसके बाद आता है रिटन सेक्शन, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन उनका होता है, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है बच्चों के क्लियर किए जाते हैं, लाइक बिग एंड स्मॉल, थिक एंड थिन, लॉन्ग एंड शॉर्ट, नियर एंड फार, टॉप एंड बॉटम, हैवी एंड लाइट, ऑड वन आउट, और इस तरह से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा और भी कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चों को क्लियर कराया जाता है। उसके बाद सेम पैटर्न राइटिंग और फिर 1 to 50 उनको लिखना सिखाया जाता है। अब आते हैं एक्टिविटीज़ के ऊपर, जिसमें मेनी ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं बच्चों के लिए, लाइक नंबर ब्लॉक्स होते हैं, अल्फाबेटिकल ब्लॉक्स होते हैं, वर्णों के ब्लॉक्स होते हैं, इन सबको हम बच्चों को पहचान करवाते हैं, कौन सा पी है, कौन सा ओ है, कौन सा वन है, कौन सा नाइन है। इसके बाद अलग अलग तरह के स्टिकर को हम लोग एक्टिविटीज़ में यूज़ करके बच्चों को हम सिखाते हैं। इसके बाद कार्ड्स हैं, वेरियस कलरफुल चार्ट पेपर, आइसक्रीम स्टिक, इसके बाद ऑडियो, वीडियो, स्मार्ट क्लास, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, बताते हैं, उनके माइंड में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इसके अलावे कई तरह के ब्रेन बूस्टिंग गेम्स होते हैं, जिसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं ड्राइंग की ओर। ड्राइंग में कलरिंग सेक्शन होता है और एक्टिविटी सेक्शन। कलरिंग में सबसे पहले हम पैटर्न्स के ऊपर उनको ट्रेस करना सिखाते हैं, उसके बाद कलर करना सिखाते हैं, उसके बाद हम कलर्स नेम सिखाते हैं, उनको याद करवाते हैं और कलर्स की पहचान करना, रिकॉग्नाइज द कलर्स, कलर की पहचान करना सिखाते हैं। एक्टिविटीज़ में पाम पेंटिंग, थंब पेंटिंग, वेजिटेबल पेंटिंग, रेनबो पेंटिंग्स, ये सब हम करवाते हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ जितने भी कलेक्शन होते हैं वो बड़े बड़े कलेक्शन होते हैं, ताकि बच्चों को ड्राइंग करने में दिक्कत ना हो, वो आसानी से कर सके। अब आते हैं हम जीके सेक्शन की तरफ। जीके में सारा ओरल होता है, जिसमें कुछ टॉपिक्स बच्चों को
प्ले नर्सरी में कराए जाते हैं, लाइक पार्ट ऑफ बॉडी, कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम, शेप्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बच्चों को याद करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा हर एक टॉपिक से जो क्वेश्चन बच्चे याद कराते हैं उसकी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ कराई जाती है। इसमें कुछ अलग या कुछ ज़्यादा या कुछ कम टॉपिक भी हो सकते हैं, ये अपने ऊपर है। उसके अलावा अब हम आते हैं कॉन्वर्सेशन, जिसमें सारा ओरल होता है। इसमें है अबाउट माई सेल्फ, गुड मैनर्स, अबाउट स्कूल, अबाउट सम स्पेशल डेज, फैमिली, अबाउट यूनिफॉर्म, स्कूल बैग। इसमें भी हर एक टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस बच्चों से करवाए जाते हैं और एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चों को ये सब आगे करवाया जाता है। अब आते हैं हम राइम्स के ऊपर। राइम्स हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश पोएम और हिंदी कविता दोनों ही बच्चों को करवाए जाते हैं। यहाँ मैंने कुछ कविता और कुछ पोएम के पहली लाइन लिख के रखी हुई हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि यही करवाया जाए। इनसे कुछ अलग, कुछ ज़्यादा या कुछ कम भी हो सकते हैं, पर ऑलमोस्ट यही सब कॉमन और फेमस छोटे छोटे जो राइम्स हैं, जो छोटी छोटी कविताएं हैं, ये सब प्ले में करवाया जाता है। मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी, बाबा बाबा ब्लैक सेप, रेन रेन, कॉबलर कॉबलर, अर्ली टू बेड, जिंगल बेल, आई सी द मून। इसके अलावा हिंदी में प्रार्थना, चंदा मामा, बिल्ली मौसी, मछली जल की रानी, आलू का चालू, टेसू राजा, बंदर मामा, चिड़िया मुझे बना दे राम, इस तरह के कुछ होते हैं। उसके अलावा अब आते हैं शॉर्ट स्टोरीज़ के ऊपर। शॉर्ट स्टोरीज़ में यहाँ मैंने कुछ स्टोरी लिखी हुई हैं। इसमें भी वही बात है सेम, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यही स्टोरी हो या इतने ही हो या इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पर ऑलमोस्ट यही होता है। जैसे थ्रस्टी क्रो, द मंकी एंड द कैप्सुलर, द हेयर एंड द टर्टोइज, द लॉन एंड द माउस, द टू फ्रॉग, द ग्रीडी डॉग, द एंट एंड द डब। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि सारी स्टोरी जितनी भी होती हैं ये सभी मोरल और गुड मैनर से रिलेटेड होती हैं। आई थिंक आपको ये सिलेबस बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन और मैंने अपनी तरफ से कोशिश भी की है कि मैं इसको पूरी तरह से आपके सामने क्लियर ढंग से रख सकूं, लेकिन फिर भी यदि किसी पॉइंट पे आपको लगा हो कि हाँ और क्लियर होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।